फटाफट से देख लेते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक बाकी लोग छोड़ जाते हैं, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन क्लास में जुड़ चुका है। टाइम पे कभी भी कोई नहीं आता क्लास के अंदर, और अभी तक हमारे दोस्तों तीन चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तीन चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, हमने जनरेशन की बात कर ली थी कि जनरेशन कितने तरह से होता है, उसके बाद हमने बात की थी ट्रांसमिशन की, जनरेशन टिंग स्टेशन से हाई वोल्टेज पर हम लोग ट्रांसमिशन करते ताकि लॉसेस कम हो, हमने स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, कोरोना लॉसेस, इन सब के बारे में बात कर ली थी। बट अब जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि घरों तक जो बिजली पहुंचाई जाती है वो कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण प्रणाली। अब हम वितरण प्रणाली, प्रियंका चंदेल जी गुड मॉर्निंग, काजल जी गुड मॉर्निंग, चलिए प्रियंका जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप कहाँ से कमेंट करके बताएं, पहली बार क्लास में जुड़े हैं, लाइट थोड़ा बोर्ड पे ज़्यादा दिख रही है। हाँ चलिए, बिल्कुल है, क्लियरली है, सबको विजिबिलिटी क्लियर है। पवन टांग गुड मॉर्निंग, सब एक बार ये कमेंट करके बता देंगे मुझे कि जो बोर्ड पे है आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा है या नहीं। ठीक है, बस आप लोग मुझे एक बार ये क्लियर कर दें कि हमें सर बोर्ड पे बिल्कुल एकदम अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, जो सब कुछ क्लियर दिख रहा है, वॉइस क्लियर है, चलिए। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, हमारे घर में जो बिजली पहुंचाई जाती है वो कैसे पहुंचाई जाती है, और इसे डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नाम दिया गया। तो ध्यान देखेंगे, सबसे पहली चीज़ देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी के चैप्टर की थी प्लस इस चैप्टर की थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करा दी है। सर मैं जतिन ही हूँ, पर ये सिस्टर का फ़ोन है, मेरा चल नहीं रहा अच्छे से। अच्छा कोई बात नहीं जतिन जी, चलिए हाँ तो जतिन जी है, ओके। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो लो वोल्टेज पे किया जाता है, सॉरी मीडियम वोल्टेज टू लो वोल्टेज किया जाता है, यानी कि 11 केवी से लेके 440 वोल्ट और 230 वोल्ट पे किया जाता है। तो 440 वोल्ट हमारा सिंगल फेज कहलाता है और 230 वोल्ट मेरा सिंगल फेज, ये तो कहलाता है थ्री फेज और ये कहलाता है सिंगल फेज कहलाता है। ठीक है अभिषेक गुड मॉर्निंग, चलिए आराम आराम से जल्दी से बच्चे आ जाइए फटाफट से। तो एक बार जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर लिया, जनरेशन के बाद मैंने ट्रांसमिशन करके बड़े बड़े सब स्टेशन तक पहुंचा दी। अब उन सब स्टेशनों से मुझे मेरे घरों तक बिजली पहुंचानी है। अब उन जो छोटे छोटे सब स्टेशन है वहां से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिट हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरण करना है। डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, वितरण करना है। तो अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी का वितरण करना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। अब इस कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो किसी भी शहर में गांव में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खोलते हैं, या तो सरकारी भी होती है प्राइवेट भी होती है, जैसे अडानी है, रिलायंस है, काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी करती है और अपनी बेचती भी है। तो इसी और गवर्नमेंट भी होती है, जैसे अब अगर आप देखें टाटा ग्रुप है, ठीक है, टाटा पावर के भी जो कई कंपनियां खरीद रहा है गवर्नमेंट की और वो उनको बिजली बेचता है, तो टाटा पावर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती है, खरीदी जाती है। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी होती है वो फिर घरों घर 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 में जाके या फैक्ट्रियों में जाके इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम करती है, और वो अपने छोटे छोटे वितरण सब स्टेशन खोलती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ये थ्री फेज वोल्टेज और सिंगल फेज पे किया जाता है, थ्री फेज का 440 वोल्ट और सिंगल फेज का मैं 230 वोल्ट कहूंगा। चलिए शरफुद्दीन अंसारी गुड मॉर्निंग, चलिए ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई ये होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज का स्टेप डाउन करते हैं। सबसे पहली चीज आप ये देख लीजिए कि देखो मुझे वोल्टेज का स्टेप डाउन करना है, क्या करना है, वोल्टेज को मुझे स्टेप डाउन करने का काम करना है। कैसे करना है स्टेप डाउन करने का काम, वोल्टेज को देखिए, सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, जनरेटिंग स्टेशन से मैंने 33 केवी इस तरह से निकाला था, अब 11 केवी की जो मेरी सब स्टेशन थे, ठीक है 11 केवी के सब स्टेशन मेरे बने हुए थे, तो 11 केवी के सब स्टेशन से ये जो पोल पे होता है, ठीक है, जहां पे 11 केवी को कन्वर्ट किया जाता है 440 वोल्ट में, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो अपना ट्रांसमिशन करा वो अपन ने प्राइमरी कर दिया, और फिर इन पोल से जो मेरे घरों में लोड आया, ठीक है, इन पोल से जो मेरे घरों में आया वो कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये मैंने आपको कल डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की थी।
ये मैंने कल आपको समझा दिया था कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ये चीज आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हुआ कि सबसे पहले चीज 11 केवी को 440 और 230 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद मैं कहूँ वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है और ये मीडियम वोल्टेज से लो वोल्टेज के बीच में कार्य करता है। ये सारी बातें हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कर ली थी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर थी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इतनी चीज तो आप सबको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि मैं तीन चैप्टर से जो हमने अभी तक पढ़े उसमें हमने यही डिस्कस किया। ठीक है, जितने भी चैप्टर हमने अभी तक पढ़े उसमें हमने यही डिस्कस किया। क्या बात है, क्लास में से सारे बच्चे गायब कैसे हो गए आज? क्लास में से सारे बच्चे गायब कैसे हो गए कमेंट करके बताओ भाई, कौन कौन प्रेजेंट है अभी? दो ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे क्लास में। चलिए, जतिन भाई तो हैं, और कौन है? चलिए, अभिषेक, पवन, काजल जी हैं। ओके, चलिए तो अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन 66, 132, 220 और 400 केवी पे किया जाता है। ट्रांसमिशन इन वोल्टेज पे किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी कि इनसे कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसे कि मैं ट्रांसफार्मर की मदद से कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसे मैं ट्रांसफार्मर की मदद से कम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा मार्कर को आज दवाई नहीं पिलाई है, मार्कर भी बुरा मान रहा है। ये हो गई कोरोना की वैक्सीन लग गई मार्कर को, मार्कर की वैक्सीन। चलो, ठीक है, चलो तंजिल, गुड मॉर्निंग, आज टाइम पे हो गया। ईद मना ली तंजिल आपने? तंजिल भाई ने कल ईद मना ली, सेवैयाँ खिलाई नहीं, अकेले अकेले खाली सारी। चलो, तो अब हम बात करेंगे कि क्यों मुझे इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की आवश्यकता है। एक चीज ध्यान रखना, जो ये छोटे छोटे सबस्टेशन होते हैं ना, छोटे छोटे 11 केवी के ये जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है, सबस्टेशन कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? सबस्टेशन कहते हैं, ध्यान रखना, उन्हें सबस्टेशन कहा जाता है। अब ये देखो कि इन सबस्टेशनों का काम क्या है, हम बात करेंगे कि इन सबस्टेशन का काम क्या है। समीर, ओहो, क्या बात है, समीर जी आ गए, आप देखो आज तारीफों के पुल कितने बांधेंगे। गुड मॉर्निंग समीर, ईद मुबारक, बिल्कुल भाई ईद मुबारक। सो सब स्टेशनों का काम क्या होता है, इन्हें क्या कार्य करना पड़ता है? सबसे पहली चीज कि ये ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज को 11 केवी में कन्वर्ट करते हैं, तो 11 केवी में परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी सी, उसमें से वोल्टेज को लेगा और क्या करेगा, 11 केवी में परिवर्तन करेगा। अरे सर, आपको बोला था ना खिलाऊंगा परी को। हाँ, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो 11 केवी में सबसे पहले मुझे क्या करना है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में 11 केवी में परिवर्तन करना है। ये मेरे सबस्टेशन का काम है। जो आपने अपने घरों के आसपास में कहीं ना कहीं इलाकों में जब बिल भरने जाते होंगे, वहां आपने ग्रिड सबस्टेशन देखा ना, तो उसे क्या कहा जाता है, सब स्टेशन। ठीक है, अब अगर बड़े सबस्टेशन होते हैं 132 220 केवी, उसे तो कहा जाता है ग्रिड सबस्टेशन, यानी कि जीएसएस, उसे कहा जाता है जीएसएस। लेकिन जो छोटे छोटे 11 केवी तक के होते ना, उन्हें हम लोग सबस्टेशन ही कहते हैं, उन्हें सिर्फ सिर्फ सबस्टेशन कहा जाता है। चलिए, तो 11 केवी में मैंने परिवर्तन कर लिया। अब 11 केवी में कन्वर्ट करने के बाद घरों में, घर मोहल्ले और कॉलोनी में सप्लाई देना, घर मोहल्ले और कॉलोनी में सप्लाई देने का काम करना पड़ता है। ठीक है, अब 11 केवी में कन्वर्ट हो गया। अब 11 केवी की लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं कॉलोनियों में, मोहल्लों में, वहां पे इनको पहुंचाया जाता है 11 केवी को। फिर 11 केवी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, 440 वोल्ट या 240 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। 440 वोल्ट को, सॉरी 11 केवी वोल्टेज को 440 से 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया थ्री फेज और ये हो गया सिंगल फेज, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। इतनी चीज क्लियर कि 11 केवी को हमने कन्वर्ट कर लिया। ये सारा किसके बात करूँ कि मैं सबस्टेशन के कार्य क्या है। सबसे पहले तो हाई वोल्टेज लाइन को 11 केवी में कन्वर्ट करो, फिर 11 केवी में कन्वर्ट करने के बाद उन्हें फीडर के थ्रू घर मोहल्ले कॉलोनी सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करो।
ट्रांसफार्मर के पास है। अब एक बार ट्रांसफार्मर के पास आ गए तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 440 वोल्ट को 240 वोल्ट, 11 केवी को 440 वोल्ट और 240 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। गुड मॉर्निंग अंकित जी, लेट हो गए आप आज, 10 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना जो क्लास हो चुकी है। सर आपकी बुक में पेज नंबर कौन सा है? भाई मेरी बुक में पेज नंबर तो नहीं पता, बट आप चैप्टर नंबर 19 निकाल लो अपनी बुक में, आप अपनी बुक में चैप्टर नंबर 19 निकाल लीजिए, ठीक है। जिनके पास अरिहंत की बुक है तो वो लोग चैप्टर नंबर 19 निकाल लेंगे अपनी अपनी बुक में, फ्रंट पेज चैप्टर नंबर 19, ठीक है। अब ये चीज खत्म हो गई, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि इतना सारा काम अब हम लोगों ने कर लिया, अब क्या करना है कि ये जो 11 केवी की लाइन आपने 440 वोल्ट में दी उसका कंट्रोल करना भी आवश्यक है। तो जीएसएस का कंट्रोल जी हटा दो भाई, सब स्टेशन का कंट्रोल करना, भाई सब स्टेशन का काम क्या है, सब स्टेशन को कंट्रोल करना कि कितनी फ्रिक्वेंसी है, कब शटडाउन करना है, ठीक है, किसको सप्लाई देनी है, किसकी सप्लाई काटनी है, ये सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सब स्टेशन का होता है, ठीक है, ये सारा सब स्टेशन का काम होता है। फिर शिकायतों का निवारण करना, भाई अगर बिजली से संबंधित कोई भी शिकायत आपके पास आती है तो उन शिकायतों का निवारण करने का काम भी किसका होता है, ये जो सब स्टेशन होता है। हम भाई किसी भी चीज का, हमें अगर नया लोड चाहिए पुराना लोड चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं, बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तब इनके पास जाते हैं। अच्छा अब देखो कि 12 जने क्लास देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 4 है, फटाफट से वीडियो को बंद करो, लाइक करो फिर दोबारा चालू करो, पर वीडियो को बंद करो, लाइक करो और दोबारा चालू करो। चलिए संजय जी गुड मॉर्निंग, रोहन गुड मॉर्निंग, संजय जी तो काफी दिनों बाद क्लास में देखे, मुझे 2-3 दिन हो गए शायद, और रोहन लेट आए, ठीक है, इतनी चीज हो गई, ठीक है। बाकी इनकी मेंटेनेंस वगैरह करना, रख रखाव करना भी काम किसका है, सब स्टेशन का है। तो क्या एक बार मुझे सब लोग कमेंट करके बता देंगे कि सब लोगों का, सब लोग एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दें कि सब लोगों का सब स्टेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि सब स्टेशन का काम क्या होता है, 11 केवी में कन्वर्ट करना, घर मोहल्ले सप्लाई, घर मोहल्ले कॉलोनी में सप्लाई प्रोवाइड करवाना, फिर उन सप्लाई को जो आई है ट्रांसफार्मर के थ्रू 11 केवी को 440 वोल्ट और 240 वोल्ट में कन्वर्ट करना, फिर सब स्टेशन का कंट्रोल करना कि कब शटडाउन करना है, कब फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करना है, और शिकायतों का निवारण करना तथा मेंटेनेंस करने का काम, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, जो लेट आए हैं वो बच्चे वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे सब स्टेशन है वहां पे कौन कौन से उपकरण लगाए जाते हैं, तो विद्युत वितरण उपकेंद्र में मैं लिख देता हूं, विद्युत वितरण, और ये समीर क्लास में डेली क्यों नहीं आता है, विद्युत वितरण उपकेंद्रों में कौन से उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं, अब कई लोग बोलेंगे ये उपकेंद्र क्या है, तो सब स्टेशन था ना उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सॉरी सब स्टेशन को हिंदी में उपकेंद्र कहा जाता है, ठीक है, तो इसका नाम लिख देता हूं मैं साइड में, सब स्टेशन, और उपकरण को हम क्या कहेंगे, एपरेटस, ठीक है, उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपमेंट एपरेटस, क्लियर है। चले सो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अब यहां पे मैं चीज आपको सिर्फ है ना मुंह से समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आपको किताब में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मेन चीज है कि इसके बारे में लोगों को समझ नहीं आता तो बस मैं आपको वर्बली बोल के समझाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश यही करूंगा कि आपको ये चीज डेफिनेटली अच्छी से समझ आ जाएगी, आज आज के बाद आपका इससे संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर नहीं रहने वाला है। चले तो ये हमने 3-4 क्यूमेंट अभी लिख ले हैं, बाकी और भी काफी सारे नाम है, एक एक करके बढ़ते हैं कि भैया सब स्टेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब स्टेशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले सब स्टेशन के अंदर लगाया जाता है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, उसका नाम यहां पर लिखा नहीं है तो हम अलग से नाम लिख लेते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, और इसे कहते हैं शायद तड़ित, तड़ित प्रभाव, पता नहीं क्या कहा जाता है। अब लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, सब स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर ही लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, और लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है दोस्तों, अगर मानो ग्रिड सब स्टेशन में कोई बिजली गिरती है तो पूरे सब स्टेशन को उड़ा सकती है, तो वो सब स्टेशन को ना उड़ाए उसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। ये क्या करता है, जो हाई वोल्टेज बिजली के थ्रू आते हैं उनको पूरा जमीन में बाईपास कर देता है, यानी कि इनका रेजिस्टेंस एकदम लो रखा जाता है, ठीक है, इतना लो रखा जाता है ताकि बिजली अगर किसी भी तरह से ग्रिड सब स्टेशन में आए तो ये सारी की सारी लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू होते हुए जमीन में पास हो जाए। तो ये होता है लाइटिंग अरेस्टर का काम, सिर्फ और सिर्फ हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है। पायल जी गुड मॉर्निंग, कि लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या होता है,
कि जितनी भी हाई वोल्टेज बिजली कड़कती है वो आती है तो उसे लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू जमीन में बाईपास कर देने का काम किसका होता है? लाइटनिंग अरेस्टर का होता है। इतनी चीज लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद क्या लगाया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर की। भाई देखो, मान लो कि 11 केवी की लाइन को मैं ऑलरेडी कन्वर्ट, 11 केवी का मैंने जनरेशन किया और उस 11 केवी को मैंने 132 केवी में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन वो जो मैंने ट्रांसमिशन किया वो कहीं पे आके एंड होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब वहां पे वोल्टेज आया लेकिन मुझे चाहिए 132 की जगह मान लो 33 केवी चाहिए, तो उस 132 को 33 केवी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो लाइटनिंग अरेस्टर के तुरंत बाद पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई जो भी हमें वोल्टेज में परिवर्तन चाहिए, करण गुड मॉर्निंग, करण बहुत दिनों बाद आए हो, इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। करण बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो, राजवीर को भी बोल देना वो क्लास में नहीं आ रहा है। सो पावर ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है कि जितनी भी वोल्टेज आई है उसका कन्वर्जन करना, जो भी वोल्टेज ग्रिड में आई है उसका कन्वर्ट करना। चलिए, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, लाइटिंग अरेस्टर हो गया। तो ये चीज समझ गए कि लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है। लाइटिंग अरेस्टर के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लीजिए अगर किसी ग्रिड सब स्टेशन में हाई वोल्टेज या बिजली चमकती है तो उसे किसकी मदद से दूर किया जाता है या इस दोष को किसकी मदद से दूर किया जाता है? तो अपन क्या टिक करेंगे? लाइटनिंग अरेस्टर की मदद से। राजू की तबीयत खराब है। अच्छा, राजू की तबीयत खराब है क्या? चलिए आज पूछ लेंगे राजू की तबीयत। तो लाइटनिंग अरेस्टर की मदद से इसे ठीक किया जाता है। फिर आता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ग्रिड सब स्टेशन में वोल्टेज का परिवर्तन करना। ट्रांसफार्मर का काम सब लोगों को पता है कि क्या होता है? वोल्टेज में परिवर्तन करने का काम होता है। चलिए, इसके बाद देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। धारा ट्रांसफार्मर कह लो हिंदी में, या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसमिशन कह लो। पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज और पोटेंशियल दोस्तों एक ही चीज है, ध्यान रखेंगे। वोल्टेज और पोटेंशियल दोनों एक ही चीज है, क्लियर है। तो अब देखो जो ग्रिड सबस्टेशन है वहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 11 केवी यानी कि 11000, 33 केवी यानी कि 33000 और 132 यानी कि 132000 वोल्टेज आ रहा है। हमारे घरों में कितना आता है? 240। आपने कभी मल्टीमीटर देखा है? तो मल्टीमीटर की मदद से जब मैं वोल्टेज चेक करता हूँ कितना वोल्टेज चेक करता हूँ? मात्र 240 वोल्ट। अब क्या उस मल्टीमीटर की मदद से मैं 11000 वोल्टेज या 132000 वोल्टेज को चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि इतने ज्यादा वोल्टेज को जब मैं टेस्ट करना चाहूंगा तो मुझे मीटर बहुत बड़े लेने पड़ेंगे, मीटर बहुत बड़े लेने पड़ेंगे। उसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई मेरा इंसुलेशन हर तरह का, मान लो कि मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो मैं देखूंगा यार कि मैं इतना सारा वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूँ बार बार, एक बार नहीं हजारों बार करना पड़ता है, तो मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब मैंने क्या करा कि उस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस्तेमाल करा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज के अंदर। तो देखो ये क्या है, एक तरह का ट्रांसफार्मर है, तो ये वोल्टेज पर फोकस करता है। मानो कि 11 केवी वोल्टेज आया तो ये इस 11 केवी को मात्र 110 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये इस 11 केवी को मात्र 110 केवी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और हम रेशो निकालेंगे कि भाई एक वोल्टेज बराबर कितना वोल्टेज है। फिर अब हम इस 110 वोल्टेज को तो आसानी से नाप सकते हैं। 110 वोल्टेज नापेंगे, मान लो कि 100 वोल्टेज आ रहा है, फिर 100 वोल्टेज जितना भी आया और जो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसे गुणा करके हम अपना एक्चुअल वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो सबस्टेशन होता है वहां पे हाई वोल्टेज को मेजर किया जाता है। तो हाई वोल्टेज को आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा बताइए? सब स्टेशन में हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को नापने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? उच्च वोल्टेज को नापने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में आपको सारी चीज क्लियर है? यस, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं आगे एक और चीज बढ़ा देता हूँ। इसी तरह से करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? अब देखो करंट भी कितनी ज्यादा हाई आती है, 100 एम्पीयर, 200 एम्पीयर, 500 एम्पीयर। अब उस 500 एम्पीयर की करंट को मेजर करने के लिए पता है इतने मोटे मोटे तांबे के तार रहने पड़ेंगे और वो भी जलने की संभावना है। तो हम क्या करते हैं, अगेन करंट ट्रांसफार्मर में हम लोग करंट की हाई वैल्यू को करंट की लो वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और उसकी मदद से फिर हम करते हैं। तो ये बताइए क्या करता है? ये 100 एम्पीयर को मात्र 5 एम्पीयर में कन्वर्ट कर देता है और 5 एम्पीयर तो हम आसानी से नाप सकते हैं। तो 100 एम्पीयर को 5 एम्पीयर में कन्वर्ट करने के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशन में हाई करंट को उच्च धारा को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और पावर ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। लाइटनिंग अरेस्टर, जो सब स्टेशन में बिजली कड़कती है या हाई वोल्टेज आते हैं उससे बचाव करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर का। तो एक बार मुझे कमेंट करके फटाफट से ये बता देंगे कि ये चारों टॉपिक आपको क्लियर हैं।
इन चारों टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे एक बार पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगा, फिर बाद में नहीं बताऊंगा, एक बार आगे बढ़ गए तो। चलिए, जतिन का कमेंट आ गया, बाकी बच्चे भी फटाफट से कमेंट करें सभी लोग। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, डेली 10 बजे हमारी क्लास लाइव हो रही है, तो आप लोग टाइम पाया करें। प्लस ये जितनी भी क्लास है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, जैसे कि टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम आता है, UPPCL का एग्जाम आता है, DFCCIL का अभी वैकेंसी आई हुई है, रेलवे में अगर आप टेक्नीशियन या लोको पायलट की तैयारी करते हैं ये सिलेबस पढ़ जाओ। मैं कहता हूँ अगर इसके बाहर एक लाइन एक क्वेश्चन भी चला जाना तो गारंटी है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो का है, सेल का निकलता है, ठीक है, भेल का निकलता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो काफ़ी सारी जो एक गवर्नमेंट एग्जाम है वहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पे आप सिर्फ मात्र हमारी जो प्लेलिस्ट तैयार कर जाएंगे हम लोग पूरी, ये चैप्टर पढ़ के आप अपने किसी भी एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग, क्या बात है प्रेम जी, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन फिर से आपका, काफ़ी दिनों के बाद प्रेम जी के दर्शन हुए। जब बता दें प्रेम जी, एक तो हमारे पुराने स्टूडेंट थे प्रेम कुमार जी, नए हैं, पहली बार आए हैं या फिर पहले से जुड़े हुए हैं, प्रेम जी कमेंट करके बताएंगे। चलिए, अच्छा मतलब सबको क्लियर है। ज्योति जी, ज्योति जी कब आए पता ही नहीं पड़ा, ज्योति पाल जी क्लास में कब आए पता ही नहीं पड़ा। चलिए, अब अगला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे बस बार। चलिए, अगला टॉपिक है मेरा GSS में लगे वायर। प्रेम गोलो जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। चलिए तो अब देखें ये क्या होता है, क्या बस बार। तो बस बार क्या होता है, जो ग्रिड सबस्टेशन आपने देखा होगा, पावर प्लांट जो सबस्टेशन देखा आपके घरों के बाहर, 11 KV 33 KV के जो भी प्लांट होते हैं। अच्छा, परमेश्वर गहलोत है, परमेश्वर गहलोत है, ठीक है, तो ये हमारे IIT के पुराने स्टूडेंट है परमेश्वर जी। अब क्या करना है कि आपके यहाँ पे जो पावर सबस्टेशन है, सबस्टेशन देखा होगा खंबे खड़े रहते हैं बहुत सारे, ट्रांसफार्मर, लाइटिंग अरेस्टर सब कुछ लगा रहता है। अब उसके अंदर जो ऊपर तार जा रहे होते हैं, ठीक है, सबस्टेशन के अंदर जो तारों का इस्तेमाल, जो केबलों का, मैं कहूंगा वायरिंग कंडक्टर का इस्तेमाल, सब स्टेशनों के अंदर वायर तो नहीं कहेंगे हम लोग यहाँ पे, इसे लिखेंगे कंडक्टर। सब स्टेशन में जो कंडक्टर लगे रहते हैं उन कंडक्टर का नाम क्या है, बस बार, ठीक है। अभी तुम देखो सब स्टेशन के बाहर जो वायर निकलेंगे उसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो ट्रांसमिशन में जो वायर होता है उन्हें कहा जाता है फीडर। तो सब वायर का अलग अलग नाम होता है, जितने भी तरह के हमारे पास वायर उपलब्ध है उन सभी वायर का नाम अलग अलग है, ठीक है। ट्रांसमिशन में जो तार का इस्तेमाल होता है, अभी मैं अलग से लिखा दूंगा, ट्रांसमिशन में जो तार इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहा जाता है फीडर, जो तार जो कंडक्टर सब स्टेशन में लगा रहता है उसे कहते हैं बस बार। सब स्टेशन से निकल के आपके घरों के बाहर जो खंबे लगे वहां तक जो वायर रहता है उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, और आपके घर के जो खंबे लगे हैं वहां से लेकर आपके घर तक जो लाइन रहती है उसे कहा जाता है सर्विस मेन। ये सब कुछ हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, ये अभी मैं लिखा दूंगा, अलग से लिखाऊंगा, और क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस बार समझ गए कि GSS में जो हैवी हाई वोल्टेज के चालक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हम लोग उसे कहते हैं बस बार। जिस भी दोस्त ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं कराया फटाफट से लाइक कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 नंबर का इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, इंसुलेटर। तो मुझे नहीं लगता कि इंसुलेटर समझाने की आवश्यकता है, इंसुलेटर समझाने की किसी तरह से आवश्यकता है, हमने कल पढ़ा था पिन इंसुलेटर, शैकल इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर। इसके अलावा भी कुछ इंसुलेटर लगाए जाते हैं चालकों में, ठीक है, वो बेकेलाइट के या माइकानाइट के बने होते हैं, पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, तो पोर्सलिन के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, पोर्सलिन के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पोर्सलिन के जो इंसुलेटर है उनका इस्तेमाल करते हैं, किस चीज में करते हैं पोर्सलिन के इंसुलेटर का इस्तेमाल, हम लोग जो ग्रिड सबस्टेशन है वहां पे देखो बराबर एक खंबे लगे रहते हैं, अब एक खंबे से दूसरे खंबे पर लाइन जाएगी, अब अगर उस खंबे को मैंने प्रॉपरली इंसुलेट नहीं किया तो मैं जब भी उस खंबे को टच करूंगा मुझे करंट आएगा, तो इसीलिए प्रॉपरली हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। और इंसुलेटर का जो प्रॉपर प्रयोग करना है वो तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ और पहले ही बता चुका हूँ, तो इंसुलेटर हमारा ऑलरेडी क्लियर है। मुझे नहीं लगता जो मेरा स्टूडेंट है मेरी क्लास में पढ़ता है उसको इंसुलेटर समझाने की आवश्यकता है, एक बार कमेंट कर दो इंसुलेटर क्लियर, आप ही लिख देना इंसुलेटर क्लियर है, और जिसको समझ नहीं आया तो मैं उसे समझा दूँ, ठीक है। यानी कि जो पहले से क्लास में आ रहे हैं और जिनको इंसुलेटर समझ नहीं आया तो वो तो मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं।
अब्दुल समीर अशोक, अबे मजाक मत कर पे, समीर इंसुलेटर क्लियर है ना, वेरी गुड, सभी लोगों के इंसुलेटर क्लियर है। चलिए अभी बोर्ड पे जो जो मैंने नाम लिखे हैं वो सबको दिख रहे हैं कि आइसोलेटर 8 नंबर तक के नाम मैंने लिख दिए हैं। अच्छा आइसोलेटर दिख रहा है, आइसोलेटर के नीचे वाला आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा है ना। आइसोलेटर तक तो आप लोगों को दिख रहा है, चलो अब हम बात करेंगे आइसोलेटर की। तो देखिए दोस्तों आइसोलेटर क्या है, एक तरह का स्विच होता है। अब मैं आपको समझाता हूं किस तरह से आइसोलेटर होता है। ये देखिए ये हमारे पास में क्या है, दो खंबे लगे हुए हैं। अब इन दोनों खंबे के ऊपर क्या जा रहे हैं, तार जा रहे हैं। तो ये जो दो खंबे के ऊपर ग्रिड सबस्टेशन में तार जाते हैं वो एक्चुअल नॉर्मली नहीं जाते, वो किस तरह से जाते हैं देखिए। अब ये समझेंगे, खंबा है, इस खंबे पे ये क्या लगा है, आइसोलेटर लगा है, ठीक है। इस खंबे पे क्या लगा है, आइसोलेटर लगा है। और आइसोलेटर लगने के बाद देखिए, ठीक है, ये लगा है आइसोलेटर और इस आइसोलेटर से ये लगा हुआ है तार, इसको ऐसे अटका देता हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या करा, मैंने आइसोलेटर लगा दिया, ठीक है। अब इस आइसोलेटर से ये तार कनेक्टेड है, सब लोग इधर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये आइसोलेटर लगा और इस आइसोलेटर, ये खंबा है, खंबे पे ये लगा है, मार्कर मेरा आइसोलेटर है और आइसोलेटर के ऊपर तार लगा है। अब अगर किसी कंडीशन में मानो ये तार फॉल्ट हो गया, क्योंकि एक खंबा यहां था और इस खंबे के ऊपर भी आइसोलेटर है और ये तार दोनों आपस में कनेक्टेड है इस खंबे के साथ में, ठीक है। ये मेरा ये हाथ है, ये खंबा है और इस पर आइसोलेटर भी लगा हुआ है। अब क्या हुआ, किसी कंडीशन में ये बीच में फॉल्ट आ गया या मुझे इसको तार को बदलना है, कुछ भी करना है, तो आइसोलेटर क्या करते हैं, इस तरह से मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं, हाथ से ये इस तरह से घूम जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से घूम के इस तरह से कनेक्ट है। तो अब देखो ये यहाँ पे टिका रहता है बीच में, अब ये घूम गया तो यानी कि इस खंबे से अलग हो गया, इस खंबे से अलग हो गया। इसी तरह से जो दूसरे खंबे पे इस तरफ लगे रहते हैं ये यहां से भी घूम जाता है। तो आइसोलेटर क्या करता है, इन दोनों खंबों से अपना कनेक्शन तोड़ देता है, इन दोनों खंबों से अपना कनेक्शन तोड़ देता है। अब अगर आइसोलेटर है, इन दोनों खंबों से अपना कनेक्शन तोड़ दे, अब ये जो मेरे तार का टुकड़ा, ये मेरे तार का टुकड़ा हो गया बिल्कुल अलग, अब मैं इस तार को आसानी से बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ या इसकी रिपेयरिंग कर सकता हूँ। तो इससे एक चीज समझ लेंगे हम लोग कि आइसोलेटर क्या करता है, एक तरह का स्विच है जो कि सर्किट को विच्छेद यानी कि तोड़ने का काम करता है, जो कि सर्किट को तोड़ने का काम करता है। लेकिन ये किस कंडीशन में सर्किट को तोड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये उस कंडीशन में सर्किट को तोड़ेगा जिसे हम कहते हैं ऑफ लोड यानी कि नो लोड। ध्यान रखना, जब भी लोड से कनेक्टेड मेरी लाइन होगी, जब भी मेरी लाइन लोड से कनेक्टेड होगी, तब मैं कभी भी आइसोलेटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तब कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाएगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन रिपेयरिंग वगैरह के काम के लिए हम लोग आइसोलेटर के स्विच का इस्तेमाल करते हैं जो कि ग्रिड सबस्टेशन में लगा रहता है। और उस आइसोलेटर आप लोग अभी देखो घर पे जाना, अभी मोबाइल पे मेरी क्लास खत्म होने के बाद गूगल पे लिखना आइसोलेटर और उसे सर्च जरूर करके पढ़ना, ठीक है। उसे सर्च करके जरूर पढ़ना, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। यानी कि एक बार उसका डायग्राम देख लेना आइसोलेटर का कैसा होता है, या वीडियो में देख लेना। अब आइसोलेटर ऑफ लोड पे काम करता है, एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन आया है, बताइए आइसोलेटर किस कंडीशन में वर्क करता है, ऑन लोड, ऑफ लोड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तब हम लोग क्या टिक करेंगे, आइसोलेटर ऑन लोड पे कार्य, ऑफ लोड पे कार्य करता है यानी कि नो लोड, या कोई भी लोड ना हो तब हम क्या कहेंगे, ऑफ लोड की कंडीशन। जब कोई भी लोड नहीं लगा होगा हम उसे ऑफ लोड की कंडीशन कहते हैं। तो क्या ये चीज क्लियर है कि आइसोलेटर नो लोड पे कार्य करता है ना। आइसोलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, पृथककारी कहते हैं शायद, आइसोलेटर को हिंदी में पृथककारी कहते हैं, बट हमें इतना कोई लेना देना नहीं, हम लोग इंग्लिश में नाम याद कर सकते हैं आइसोलेटर, ठीक है। सभी लोग इंग्लिश में नाम याद कर सकते हैं, कोई बोलेगा तो भाई हिंदी में नाम लिखा देंगे, बाकी आइसोलेटर क्लियर है। तो आइसोलेटर समझ आ गया, रिपेयरिंग मेंटेनेंस के काम के लिए हम लोग आइसोलेटर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। आइसोलेटर दो खंभों पर कनेक्ट करता है, ऐसे सर्किट को तोड़ देता है, फिर बीच में जो कंडक्टर होता है हम उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो एक बार मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो कि आइसोलेटर सब लोगों के क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर की, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो वो हम लोग साइड में लिख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो सर्किट ब्रेकर आप लोगों ने अपने घर में एमसीबी देखी होगी, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नाम होता है। तो वो एमसी जिस तरह से फंक्शन करती है, सेम टू सेम फंक्शन करता है सर्किट ब्रेकर। लेकिन एमसीबी हमारे घरों में छोटे काम के लिए उपयोग में ली जाती है, जबकि सर्किट ब्रेकर बड़े बड़े सबस्टेशनों में बड़े बड़े काम में लिया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े सबस्टेशनों में बड़े बड़े काम में क्या लिया जाता है, सर्किट ब्रेकर। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने मन में क्लियर रखना है, ठीक है।
अब सर्किट ब्रेकर भाई, अगर सर्किट ब्रेकर सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे किस कंडीशन में काम करता है, ऑन लोड। सर आइसोलेट किस लोड के ऑफ होने में काम करता है? अनिल जो देखो लाइन, जैसे अब जो कोई कंडक्टर जा रहा है तो वो सप्लाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं सप्लाई दे रहा होगा, लेकिन अब अगर मैं सप्लाई के टाइम पे उसको काम में नहीं ले सकता, अगर सप्लाई के टाइम पे मैंने उसे, अब देखो एक और चीज मैं भूल गया सॉरी, ये जो आइसोलेटर था, ये जो आइसोलेटर मैंने आपको पढ़ाया, यहां लिख लो मैन्युअली यानी कि हस्तचलित, ठीक है, यानी कि जो आइसोलेटर का खंभा होता है, आइसोलेटर का देखो ये जो खंभा होता है, इस खंभे के नीचे एक लिवर रहता है जिसकी मदद से मैं आइसोलेटर को एक दूसरे सर्किट से दूर करता हूं, जिसकी मदद से मैं आइसोलेटर को दूर करने का काम करता हूं। अब अगर आइसोलेटर को मैं ऑन लोड की कंडीशन में चालू कर दूंगा, ठीक है, तो उस समय बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो सकती है और आग लगने की संभावना है। तो लोड कौन सा कनेक्टेड है, जो लोड सप्लाई से कनेक्ट है, और उसे अगर मैंने हटा दिया कि भाई थोड़ी देर के लिए मैंने इस लाइन की सप्लाई बंद कर दिया, इस लाइन को दूसरी लाइन में ट्रांसफर कर सकता हूं, एक लाइन को दूसरी लाइन में ट्रांसफर करने के लिए भी आइसोलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, उस कंडीशन में दोस्तों मुझे मेरा लाइन फ्री मिल जाएगी, यानी कि लोड नहीं होना चाहिए, नो लोड, कनेक्शन काट दिया मैंने उस टाइम पे, उस कंडक्टर पे जितनी भी लाइन थी वो सबकी लाइन उस समय पे गुल हो चुकी रहती है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि आइसोलेटर को हम लोग मैन्युअली ऑपरेटेड करते हैं, हाथ से ऑपरेट करते हैं, ना कि किसी रिमोट की वजह से। और सर्किट ब्रेकर को हम लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं, देखो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक है, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली काम करता है। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली काम करता है ऑन लोड पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मानो कोई लोड कनेक्टेड है और किसी लोड में कंडक्टर में किसी तरह का फॉल्ट आ गया, अब जैसे ही फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, तुरंत मेरा सर्किट ब्रेकर सर्किट को जैसे जुड़ा हुआ है अलग कर देगा, ये दो कंडक्टर है, इन दो कंडक्टर के बीच में लिंक है सर्किट ब्रेकर, अब जैसे ही कोई फॉल्ट आया तो सर्किट ब्रेकर तुरंत इसको छोड़ देगा, तुरंत सेकंड भी नहीं लगते, तुरंत। आपने अपने घर में देखा होगा किसी भी तरह का फॉल्ट आता है, आपने लोड ज्यादा लगा दिया, एमसीबी बंदी रहती है, एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है, यानी कि वो सर्किट को तुरंत तोड़ देती है, जिससे कि फॉल्ट एक लाइन से दूसरी लाइन में ना जा सके और सभी इंस्ट्रूमेंट को खराब ना कर सके। तो इसलिए हम लोग एमसीबी सेम टू सेम काम है सर्किट ब्रेकर। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली होता है प्लस ऑन लोड पे काम करता है। तो ये दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छे अच्छे बच्चों को जो डिप्लोमा बीटेक कर लेते हैं उनको नहीं पता रहता कि सर्किट ब्रेकर ऑन लोड पे काम करता है और आइसोलेटर ऑफ लोड पे काम करता है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और आप सभी लोगों को मैंने आज बता दिया, कॉपी में नोट करो, दिमाग में नोट करो, कहीं भी छापो, बस आपको याद हो जाना चाहिए। चलो भैया तारीफ बाद में कर ले, पहले समझ ले, ठीक है। तो चीज क्लियर हो गई, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर के बारे में एकदम डीपली देखो अच्छे से समझा दिया है और अपने को ज्यादा अंदर तो घुसना है नहीं, तो बस इतना सा काम हो गया सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर के बाद में आते हैं फ्यूज। तो क्या किसी को फ्यूज के बारे में समझाने की आवश्यकता है, भाई फ्यूज क्या करते हैं? तो देखो ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को ओवरलोड होने से, आप किसी कंडीशन में ओवरलोड हो तो ओवरलोड से होने वाली हानियों को दूर करने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज वही एक लिंक होता है कि ये मान लो कि मेरा फ्यूज है, अब इस फ्यूज में दो पॉइंट बना दिए मैंने, ठीक है, ये मेरा फ्यूज है। देखो इस फ्यूज में आपको दिख रहा है ये दो पॉइंट बना दिए, दो पॉइंट निकले रहते हैं और इन पॉइंट को मैंने तार की मदद से जोड़ दिया। अब जब भी किसी कंडीशन में, तो देखो यहां से तो क्या आया, नीचे से आया इनपुट, ऊपर से गया आउटपुट, किसी भी कंडीशन में फॉल्ट आएगा, ओवर वोल्टेज हो गया या ओवर लोड हो गया तो ये सर्किट को तोड़ देगा, ये गल जाएगा तार। अभी तार टूट गया तो क्या नीचे से सप्लाई जो आ रही थी ऊपर पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी और मेरे इंस्ट्रूमेंट सेफली बच जाएंगे। तो सर्किट ब्रेकर का सर एमसीबी मैनुअली भी होती है, सर एमसीबी मैनुअली आप उसे कर सकते हो ऑन, लेकिन जो ऑफ होती है वो ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। आप तो ऑन ऑफ तो कर सकते हैं, वो तो ठीक है, ठीक है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो तो एमसीबी में प्रोसेस है। ऐसे तो जो एमसीबी आपकी सर्किट ब्रेकर है उसे भी आप लोग कर सकते हो भाई, बटन होता है कंट्रोल रूम में, लेकिन जो वर्क करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोमेटिकली वर्क करती है, ठीक है। तो फ्यूज के बारे में क्लियर हो गया कि फ्यूज ओवरलोड या ओवर वोल्टेज की कंडीशन में फॉल्ट से बचाता है, ठीक है। एक तार का इस्तेमाल किया जाता है, टीन और लेड से बना हुआ, इसके गलनांक कम होता है, जैसे ही हाई वोल्टेज की करंट आई ये तार मेरा तुरंत पिघल जाता है और मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आई होप सब लोगों को फ्यूज तक का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोटेक्टिव रिले। रिले के बारे में किसी को कोई पता है क्या? जो पुराने बच्चे हैं उनको तो शायद पता हो सकता है भाई, जिन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रोटेक्टिव रिले।
तो रिले एक तरह से व्हाट्सएप का काम करती है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम का काम करती है। किस तरह से काम करती है कि ये मैसेज भेजती है, और ये मैसेज किसको भेजती है भैया? ये तो है गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये तो है गर्लफ्रेंड। किसकी है? सर्किट ब्रेकर की है, ठीक है। ये है बॉयफ्रेंड, गाना गाते हैं दोनों मिलके, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, ओम मैनू कहंदी ना ना ना। यानी कि रिले का काम क्या है? मैसेज भेजना, ठीक है। देखो रिले फीमेल ना भाई, हमारे रिले लगाई जाती है ना कि रिले लगाया जाता है, और सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है जबकि रिले लगाई जाती है। तो रिले तो हो गई फीमेल और सर्किट ब्रेकर हो गया मेल। तो अब इन मेल फीमेल में क्या रिलेशन है कि रिले करती है सिग्नल भेजती है, रिले क्या करती है एक कंपैरिजन करती है। इसके साथ में ये लिख सकता हूं रिले के बारे में एक चीज और देते हैं, तुलना करना। मानो कि मेरा एक चालक है जो कि 20 एम्पीयर की करंट को कैरी करता है, एक चालक है मेरे पास जो कि 20 एम्पीयर की करंट को कैरी करता है। अब वो 20 एम्पीयर की करंट जो किस जिस कंडक्टर में, वहां पर मैंने एक रिले भी जोड़ दी। अब ये रिले को सेट वैल्यू मैंने कर दी कि भाई 20 एम्पीयर इसकी कैपेसिटी है। अब अगर 20 एम्पीयर से 21 एम्पीयर हो या 20 एम्पीयर से 19 एम्पीयर हो, तब तक तो इंतजार करना। लेकिन जैसे ही 20 एम्पीयर से 21.1 हुई, ठीक है, 21.1 हुई या 19 से 18.9 भी हुई, तो तू तुरंत सिग्नल भेजना। तो रिले तुलना करती है जो उसके अंदर सेट वैल्यू है वो, और जो फॉल्ट के टाइम पे करंट कम या ज्यादा होती है, वोल्टेज कम या ज्यादा होता है, पावर कम ज्यादा होती है, उसको कंपेयर करा। जैसे उसे कंपेयर करके देखा कि कुछ वैल्यू कम या ज्यादा हुई, तो रिले क्या करती है, रिले तुरंत सिग्नल भेजती है अपने बॉयफ्रेंड को यानी कि सर्किट ब्रेकर को कि भैया मुझे कोई परेशान कर रहा है, आप तो आ जाओ, तुरंत आ जाओ, दौड़ के जानू मेरे को कोई परेशान कर रहा है। रिले तुरंत रिले मैसेज करा जैसे सर्किट ब्रेकर को, तो सर्किट ब्रेकर अपने 3-4 आदमी लेके आ जाता है और सर्किट को तुरंत ट्रिप करके भगा देता है जो भी फॉल्ट आया है। तो देखो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी चल रही है अभी कि रिले गर्लफ्रेंड है, ठीक है, रिले एक लड़की है जिसके पास क्या है, एक उसकी सेट रिले भैया अपनी रिस्पेक्ट है, कोई बंदा आया उसे छेड़ा यानी कि फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट ने वायर को छेड़ दिया। अब जैसे ही फॉल्ट आया तो रिले तुरंत सिग्नल भेजेगी सर्किट ब्रेकर को यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को, क्या कि भाई हमारे पास तो कोई फॉल्ट आ गया यानी कि कुछ बदमाश अपने को परेशान कर रहे हैं। तो सर्किट ब्रेकर तुरंत आएगा दौड़ते हुए और सर्किट को तोड़ देगा यानी कि जो फॉल्ट आया था उसको दूर भगा देगा, मार के कूट के जैसे भी, वो तो बॉयफ्रेंड अलग भगाएगा लेकिन सर्किट ब्रेकर उस कनेक्शन को बिल्कुल तोड़ देगा। तो जो रिलेशनशिप से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा समझ आएगा कि रिले का काम सिर्फ और सिर्फ तुलना करना और तुलना करके सिग्नल भेजने का काम होता है, जबकि सर्किट ब्रेकर सर्किट को तोड़ने का काम करता है जिससे कि फॉल्ट आगे पहुंच ना सके। एक साथ कई सर्किट को ऑन ऑफ करता है, बिल्कुल काजल जी, एक साथ कई सर्किट को ऑन ऑफ भी करता है। नहीं देखिए सर्किट ब्रेकर अलग अलग तरह के आते हैं, सर्किट ब्रेकर आता है सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल। जो सिंगल पोल है वो एक बार में एक सर्किट को ऑन ऑफ करेगा, लेकिन अगर डबल पोल होगा तो एक बार में दो सर्किट को ऑन ऑफ करेगा, ट्रिपल पोल होगा तो एक बार में 3 सर्किट को ऑन ऑफ करेगा, 4 पोल का होगा तो एक बार में 4 सर्किट को ऑन ऑफ करेगा। सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा के मान के अकॉर्डिंग परिपथ को ऑन ऑफ करता है, बिल्कुल काजल जी। सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के अनुसार देखो, तो वो जो सर्किट ब्रेकर हमारे घर में लगा है वो तो ठीक है, डायरेक्टली सेंस कर लेता है, लेकिन जो अगर ग्रिड सबस्टेशन में रिले लगी होती है, रिले क्या करती है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई करंट, लो करंट को सेंस करती है, पुरानी जो इसकी अंदर जो सेट वैल्यू उससे कंपेयर करती है, अगर उसे कम ज्यादा लगता है तो रिले तुरंत सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजती है और सर्किट ब्रेकर तुरंत सर्किट को काट देता है, ठीक है। तो ये सेकेंड्स के अंदर काम हो जाता है। तो अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो सर्किट ब्रेकर और रिले वाली जो थ्योरी है ये आपके समझ कितना समझ में आई, और क्या आप आज के बाद इस चीज को भूल पाओगे? क्या इसको आप आज के बाद भूल पाओगे? कितने पोल तक आते हैं ये भाई? अभी तक जो एमसीबी है वो देखो ज्यादातर आती है 4 पोल तक की, ठीक है, 4 पोल तक की एमसीबी आती है, आ गया है ना। अच्छा अब एक चीज देखो, आप लोग देख रहे होंगे कि ज्यादातर बच्चे देखिए जो मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अपने आईटीएम में वो अलग है, बाकी जो नए स्टूडेंट है कि आप लोग हिंदी में पढ़ते थे, बट देखिए अभी मैंने सारे नाम यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है, और फिर भी आपको समझ आ रहा है। तो यही दोस्तों देखिए, अपने को इंग्लिश से घबराना बिल्कुल नहीं है, जो टेक्निकल शब्द है वो इंग्लिश में पढ़ोगे तो उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि यार कोई टेक्निकल ऐसा शब्द आ गया और आप घबरा गए यार ये क्या पढ़ लिया मैंने, ये क्या आ गया, अब क्या होगा, बिल्कुल भी किसी भी शब्द से कोई भी वर्ड आ जाए हमें घबराना नहीं है पहली चीज़ तो, ठीक है। चीज़ों को अगर लाइटली लेते हुए चलेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो बिल्कुल हर एक चीज़ हमारे समझ में आएगी, बस हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, ठीक है, बस हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हमें फल मिलेगा, ठीक है। अब चलिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं भाई? करंट और वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
अमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर होता है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति नापने के लिए अमीटर, करंट नापने के लिए वोल्ट मीटर, वोल्टेज नापने के लिए। तो ये सारे कुछ छोटे उपकरण है जो कि हम काम में लेते हैं। फिर आता है कंट्रोल केबल। बारहवीं हमारा है कंट्रोल केबल। कंट्रोल केबल को क्या कहेंगे? नियंत्रक केबल। कंट्रोल केबल को मैं हिंदी में लिख देता हूं एक बार। कंट्रोल केबल को हिंदी में कहेंगे नियंत्रक केबल। तो नियंत्रक केबल क्या काम करती है? लो वोल्टेज की सप्लाई, जो लो वोल्टेज की सप्लाई है उसको सप्लाई देना और उसे कंट्रोल करने का काम नियंत्रक केबल करती है। इसके बताएगा आपका स्विच बोर्ड। सो स्विच बोर्ड एस्बेस्टस, माइकानाइट, एस्बेस्टस इत्यादि के एबोनाइट वगैरह के बने होते हैं जो कि सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। मुरली मोटर वगैरह जो कंट्रोलर लगे होते हैं उन्हें ऑन ऑफ करने का काम क्या करते हैं? स्विच बोर्ड करते हैं। तो इसी के साथ सब स्टेशन में काम आने वाले उपकरण हमने पढ़ लिए। पावर ट्रांसफार्मर सबके क्लियर होगा, करंट ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके नापने के लिए, इसी तरह से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को नापने के लिए, लाइटनिंग अरेस्टर जो बिजली चमकती है उसको दूर करने के लिए, बस बार जो जीएसएस में कंडक्टर लगा रहता है उसे बस बार, इंसुलेटर पिन शैकल सस्टेन हमने पढ़ लिया, आइसोलेटर ऑफ लोड में काम करता है मैनुअली, सर्किट ब्रेकर ऑन लोड में काम करता है ऑटोमेटिकली, फ्यूज क्या करता है? सर्किट को विच्छेद करने का काम करता है जब भी हाई वोल्टेज या हाई लोड आता है, रिले संदेश भेजने का काम करती है, मापक उपकरण मेजर करते हैं, और कंट्रोल केबल जो छोटे लो वोल्टेज के सिग्नल को भेजने का काम करते हैं। तो अब बताइए, हाँ तो कल एग्जाम देने आ जाना, तो क्या पता नहीं तुम्हारी क्या बात है चलिए। तो यानी कि ये सारी चीजें सब लोगों को क्लियर हो चुकी हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं, तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिसको क्लियर नहीं हुई है तो वो सभी दोस्त बाद में वीडियो देख लेंगे, और जो भी दोस्त आज दोबारा से हमारे साथ पहली बार जुड़े तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग देखो ये काम काम करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ बच्चे थे जैसे कि नायडू जी और ज्योति जी, इन्होंने अपने दोस्तों को लेके आए थे, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही है यानी कि आप अकेले अकेले फायदा लेना चाहते हो, और अगर बेकार लग रही है तो आप शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। ये दो कारण से, या तो आपको बेकार लग रही है तो भाई बेकार क्लास दूसरे बच्चों को क्यों पढ़ाएं, और अगर अच्छी लग रही है तो फिर आप स्वयं पढ़ना चाहते हो, दूसरों को पढ़ने नहीं देना चाहते। बट प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और पढ़ाने में भी अच्छा लगे। वाइवा क्या एग्जाम भी गूगल है अभी साथ? सर ये जो बोल रहे हैं ना क्लियर है, कल वाइवा लेंगे सब लेजेंड बाहर आ जाएंगे। कोई बात नहीं, देखो सब होशियार है, सबका एक बार एग्जाम तो जरूर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए इसके बाद एक काम करते हैं, एक दिन हम लोग एग्जाम रखेंगे जिसमें मैं आपके जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, ठीक है, जनरेशन में भी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आप सभी पढ़ के आना, टाइम दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, एक दो दिन का टाइम दे दिया जाएगा, आप पढ़ के आना और फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर रखेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं कुछ नहीं करूंगा, आप लोग जो जो मुझसे क्वेश्चन पूछोगे बस मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा, ठीक है। तो लाइव होता ना Q&A, लाइव Q&A किया जाएगा, आप जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आपको आंसर दूंगा। समीर भी लाइक बड़े हामी हो तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें, तंजिल ऐसा नहीं करना कुछ भी, ठीक है, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना किसी को भी। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सबस्टेशन, यानी कि उपकेंद्रों के प्रकार। पहले तो सब लोग ये जो है ना, जैसे कि जो भी नए बच्चे हैं जैसे काजल जी हो या जतिन है, ठीक है, आप अपने प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी से भी कहें कि वो लोग भी क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। आप उन सब से भी बोलें कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनको भी लेके जरूर आएं, ठीक है। चलिए तो उपकेंद्रों के प्रकार, कितने प्रकार के हमारे पास उपकेंद्र उपलब्ध हैं? तो देखिए काफ़ी सारे तरह के उपकेंद्र हैं हमारे पास। कुल मिलाकर अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो हो गया ट्रांसमिशन टाइप के, ठीक है, ट्रांसमिशन के बाद में फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के। ट्रांसमिशन टाइप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हो गया, उसके बाद आता है कलेक्टर टाइप के, फिर होता है कन्वर्टर टाइप, और लास्ट होता है आपका स्विचिंग सबस्टेशन।
स्विचिंग सब स्टेशन, फिर कन्वर्टर में भी आप लिख लो कन्वर्टर सब स्टेशन, और कलेक्टर में भी कलेक्टर सब स्टेशन। ठीक है, ये सारे हो गए। अब इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम अभी नहीं होगा, एग्जाम होने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की हालत चल रही है। चलो ट्रांसमिशन सब स्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी पढ़ा दी है, क्या एक तो होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसमिशन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। प्राइमरी ट्रांसमिशन कहाँ होता है? जनरेटिंग स्टेशन से, जहां से वोल्टेज पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब सभी लोग कमेंट में ये बताएंगे कि कितने केवी पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, कितने केवी पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। समीर समीर कमेंट करके बताएगा कि कितने केवी पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, कितने केवी पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है? तो जितने केवी पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट किया जाता है, फिर उस हाई वोल्टेज को छोटे छोटे शहरों में भेजने के लिए लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम कर देता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। ठीक है, कि भाई क्या प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। अरे तंजिल, ये कमेंट पहले समीर भाई को देनी थी हमारे। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की। भाई प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन वाला, वहां क्लियर कर दिया था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? उस 33 केवी को जब मैं 11 केवी में कन्वर्ट कर रहा था, 11 केवी में कन्वर्ट करके आगे भेज रहा हूँ, तो इस बीच हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर उस 11 केवी को मैंने आगे की तरफ भेज दिया, जहाँ खंभों पर जाके वो 440 केवी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे मैंने क्या कहा? सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में भी हमें घबराने की बात नहीं है। ये 11 केवी को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी 33 को 11 केवी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है, तो यहां भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुकांत सरकार जी, आज आप लेट हो गए या काफी देर बाद मैंने आपकी कमेंट देखी है सुकांत जी की। हाँ अच्छा, बोलते ही टाइप कर दिया। ज्योति जी ठीक है, तो हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन क्या है? प्राइमरी सबस्टेशन है और सेकेंडरी सबस्टेशन है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा सबस्टेशन के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हमने परसों वाली क्लास में पढ़ लिए थे, तो आप लोग वहां से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कलेक्टर सबस्टेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां देखिए, अब हमारे पास आ रहे हमारे कलेक्टर साहब। आप बताओ, बड़े हो गए कलेक्टर कौन बनेगा? वैसे तो बड़े हो चुके हो, लेकिन कोई भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं कि कलेक्टर बनना बहुत ज्यादा कठिन काम है, कोई भी कलेक्टर बन सकता है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी सचिवान तो कोई भी नहीं बोलेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्टर सबस्टेशन क्या होता है, कि देखो एक पावर ग्रिड होता है। मैंने आपको परसों की क्लास में शायद ये शब्द बताया था, PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये जो काम करता है दोस्तों, ज्यादातर तो 220 केवी नहीं, वैसे तो 400 केवी और 765 केवी पे, 400 वोल्ट के किलो वोल्ट और 765 केवी पे काम करने वाले जो ग्रिड होते हैं, उन्हें कहा जाता है पावर ग्रिड। PGCIL के अंतर्गत आते हैं पावर ग्रिड। भारत में ज्यादा नहीं है बट बहुत हैं, ऐसे नहीं है, कोटा के अंदर है, मेड़ता के अंदर है। तो PGCIL के अंतर्गत हाई वोल्टेज पे काम करते हैं ये लोग। अब जो ग्रिड, और अब ये ऐसा नहीं है कि ज्यादा जनरेट ऐसी आवश्यकता है, मेरा जो 33 केवी का पावर प्लांट है, मैं उस 33 केवी के पावर प्लांट को सीधे कहां भेज सकता हूं? 400 वोल्ट में कन्वर्ट करके पावर ग्रिड को भेज सकता हूं। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके पावर ग्रिड को भेजने का काम कौन करता है? कलेक्टर सबस्टेशन, कलेक्टर सबस्टेशन। तो मैं यहां कहूंगा, यहां मैंने कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करा।
तो पावर ग्रिड को हाई वोल्टेज सप्लाई भेजने के लिए हम लोग किस सबस्टेशन का उपयोग में लेते हैं, ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या टिक करेंगे, कलेक्टर सबस्टेशन। अब्दुल समीर क्लास तो क्लास है सर, आप भी अच्छे लग रहे हो कसम गंगा मैया की। अच्छा मैं अच्छा लग रहा हूँ सर, गवर्नमेंट जॉब तैयारी करते हैं क्या, कराते हैं क्या? हाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो मैं स्पेशली नहीं करा था, बट ये जो टेक्निकल की, अभी हम लोग टेक्निकल की बात करें, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं टेक्निकल वाली, तो ये क्लास आपके लिए मैं कहता हूँ 200% बेनिफिशियल है। धन्यवाद, आप लोग अच्छे हैं, देखिए जो अच्छा होता है उसे दूसरा भी अच्छा लगता है, तो आप सभी जो हमारे स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं आपको अच्छा लगता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है आप लोग अच्छे हो तो मैं अच्छा हूँ। ठीक है, चलिए तो PGCIL है, तो पावर ग्रिड को स्टेप अप करके सप्लाई भेजने का जो काम करता है वो पावर कलेक्टर सबस्टेशन करता है। हमें यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी इतना ज़्यादा अपने काम का नहीं है। ठीक है, फिर ये ज़्यादातर क्या है, थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट के पास में भी लगाए जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, थर्मल और हाइड्रो, थर्मल तो कौन सा हो गया कोयले वाला, और हाइड्रो हो गया मेरा पानी वाला, तो थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट के पास में रखी जाती है। जो भी दोस्त चैनल पर नया है फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर देंगे। रिश्ता ढूंढे फिर, अच्छा रिश्ता ढूंढना है, हाँ ढूंढ लो भैया, उम्र तो हो ही रही है, शादी भी कर ही लेंगे। ठीक है, तो थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट के आसपास में क्या लगाए जाते हैं, मेरे कलेक्टर सबस्टेशन लगाया जाता है। तो ये बता दो कि कलेक्टर सबस्टेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कलेक्टर सबस्टेशन यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है, अब हम बात करेंगे कन्वर्टर सबस्टेशन की। अब देखो यहाँ जो पहली क्लास में कई लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोग एसी पे ही ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन डीसी पे नहीं करते, लेकिन जहाँ पे डीसी की आवश्यकता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे सर, जहाँ पे डीसी की आवश्यकता पड़ गई तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे हाई वोल्टेज, जैसे कि ट्रेन में, रेलवे में जो सप्लाई जाती है, सब लोगों को पता है किस तरह से इसकी सप्लाई होती है रेलवे की, रेलवे की जो सप्लाई होती है वो होती है डीसी, रेलवे के अंदर डीसी वोल्टेज होता है, वो डीसी वोल्टेज भी कितना होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिया, 25,000 वोल्ट। कई बार आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम आए कि रेलवे के अंदर जो वर्किंग वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 25,000। ठीक है, या फिर इसे हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, 25 kV, या आप 25,000 ध्यान रखो, दोनों एक ही चीज है, रेलवे के अंदर डीसी काम करते हैं। लेकिन अब ये डीसी कहां से आएगी इतने हाई वोल्टेज पे, तो क्या होता है कन्वर्टर सबस्टेशन 25,000 एसी को हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करके मुझे 25,000 वोल्टेज डीसी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, कन्वर्टर सबस्टेशन 25,000 एसी को हाई वोल्टेज डीसी उपकरण की मदद से, यहाँ पे रेक्टिफायर इत्यादि लगाए जाते हैं, उसकी मदद से 25,000 डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ से सर क्लास एंड होने से पहले आपका सेटअप टूर, अच्छा मेरे सेटअप टूर तो भैया बहुत ज़्यादा बेकार हालत है कमरे की। ठीक है, सेटअप टूर देखोगे तो रो पड़ोगे। ठीक है, तो हाँ कभी ऐसा करेंगे जब अभी एक दो दिन में Q&A वीडियो रखेंगे तब अपन कर लेंगे, सेटअप टूर भी दिखा लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग कह रहे हो तो भैया आपके क्या कहते हैं, आपकी बात सराफों पे, वो भी कराएंगे। चलो और अभी मत बोलो, फिर अभी समीर तो चैंडल लगाएगा कि सर दिखाओ दिखाओ देखो, अभी तुम रहने दो, ऐसी बात है छेड़ो मत, वही बहुत है। तो 25,000 एसी को हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने का काम, यानी कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कन्वर्टर सबस्टेशन। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए रेलवे के लिए हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन सा सबस्टेशन करता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या टिक करेंगे, कन्वर्टर सबस्टेशन। उस कंडीशन में क्या टिक करेंगे, कन्वर्टर सबस्टेशन हम लोगों को टिक करना होगा। क्लियर है सब लोगों को ये चीज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्विचिंग सबस्टेशन, ठीक है अभी मार्कर भी अपना जवाब दे गया, तो इसको पानी वानी कली पिलाएंगे। अब स्विचिंग सबस्टेशन क्या काम करता है, तो देखो बैकअप लाइन के लिए स्विचिंग करंट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा उपकरण जहां ट्रांसफार्मर का उपयोग ही नहीं किया जाता, ऐसा सबस्टेशन जहां ट्रांसफार्मर का, तो देखिए भाई ऐसा तो कोई सबस्टेशन हो ही नहीं सकता जहां पर कि मैं ट्रांसफार्मर का उपयोग ना करूं, जहां पर वोल्टेज का एक ही लेवल बना रहे, तो इस तरह का सबस्टेशन क्या होगा। तो देखो ज्यादातर कलेक्टर सबस्टेशन होता है इस तरह का, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी हो सकता है, लेकिन देखो जो स्विच यार्ड होता है, ठीक है मैं कहूं आपका जो सबस्टेशन होता है
अब सब स्टेशन बाहर से नाम है, लेकिन सब स्टेशन के अंदर जो टावर वगैरह खंबे खड़े रहते हैं वहां पे उस जगह को नाम दिया जाता है यार्ड। क्या नाम दिया जाता है? यार्ड, स्विच यार्ड नाम दिया जाता है। अब उस स्विच यार्ड के अंदर तो भाई वोल्टेज का लेवल एक रहता है, उसके एंट्री पे वोल्टेज आएगा और एग्जिट पे जब जाएगा तब लो वोल्टेज में या हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उस पूरे यार्ड के अंदर तो वोल्टेज समान है। तो जो यार्ड होता है उसके अंदर जो वोल्टेज एक समान कार्य करता है उसे ही हम लोग स्विचिंग सब स्टेशन का नाम देंगे। सर रेलवे तो पेंटोग्राफ जेई थ्रू जो मिलता है मिली है भी क्या है? अच्छा पेंटोग्राम, ठीक है पेंटोग्राम होता है, पेंटोग्राफ जो आप कह रहे हो वो किस तरह से काम करता है दोस्तों देखिए। हाई भाई हमने 25,000 वोल्टेज दे तो दिया, लेकिन अब ऊपर की तरफ लाइन चलती है तो पेंटोग्राफ क्या करता है उस लाइन से करंट कलेक्ट करने का काम करता है और इंजन के अंदर भेजने का काम करता है। पेंटोग्राफ क्या करता है, जो सप्लाई की लाइन जा रही होती है उसमें से देखो ऐसे खड़ा रहता है पेंटोग्राफ, ठीक है ऐसे भी कहूँ एल्बो होती है इस तरह का होता है, ये देखो ये नीचे रहता है और फिर ये ऐसे करके कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है हाई वोल्टेज की लाइन से करंट को कलेक्ट करने का काम करता है और हमारे इंजन के अंदर देता है। तो ये चीज आज की क्लास में सबको क्लियर होगी। सर समीर तो इंस्टा पर एक्टिव था अभी 7 मिनट पहले, हाँ समीर आराम से इंस्टाग्राम चला रहा है और हम सबको पता है कि किससे बात कर रहा होगा, ठीक है चलो। ये अच्छा ये क्या इर्स भी है, इसके साहिल है ये, चलिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट चैप्टर स्टार्ट करा, काफी सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर करी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा और कौन कौन से उपकरण काम में थे, तो काफी सारे उपकरण के बारे में हमने ब्रीफ नॉलेज आज ले ली जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और वो आप एक बार रिवाइज जरूर करना। देखो अगर आज के उपकरण आपने रिवाइज नहीं करे तो ध्यान रखना आपके बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो जो चीज पढ़ाई गई है प्लीज आप उसको रिक्वेस्ट कर लेना। अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो आपको बस करना क्या है दोस्तों, जो भी दोस्त सर का थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने आईटीआई में अपनी क्लास टीचर के साथ भी आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो आगे बच्चों को कैरी फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकें और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, अभी थोड़ा सा काम है, कल मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टाइम पर आ जाना, 10 बजे हमारी क्लास होती है यानी कि आप सबको 10 बजे आ जाना है। चलिए शुक्रिया दोस्तों, कल मिलते हैं, ठीक है बाय।